हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों का डिवाइन इंग्लिश मंत्रा के चैनल पर स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम लोग पीछे कंटिन्यू की सीरीज चला रहे थे, प्रैक्टिस सीरीज जिसे हम कह रहे थे, तो द एज ऑफ शेक्सपियर पे हम लोग चला रहे थे, तो उसी सीरीज को आज फिर से कंटिन्यू करना है और कह सकते हैं कि उसको आगे बढ़ाना है। जैसे कि मैं बात करूँ द एज ऑफ शेक्सपियर को लेकर के, हम लोगों ने डे 9 तक कर लिया था और डे 9 में हम लोग 130 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, तो डे 10 करेंगे और डे 10 में हम लोग क्वेश्चन लेंगे जहां हमने लेफ्ट करा है 130, तो यानी आज हम क्वेश्चन लेंगे 131 से। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग इस सीरीज को आगे बढ़ा लेते हैं। तो जैसा कि आज के सीरीज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है आपके सामने है, वो ये इस प्रकार है 31, यानी 31 जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं हम लोग, द एज ऑफ शेक्सपियर डे 10, यानी कि द एज ऑफ शेक्सपियर में आप लोग देख पा रहे होंगे द 10 में, तो यानी डे 10 की बात करें तो सबसे पहला ये आता है हमारे पास जो लाइन्स है, कुछ लाइन्स दी गई है जैसे कम दाउ मोर्टल रेज, ये कहता है कि भाई कम दाउ मोर्टल रेज और विद दाई शॉर्ट टिथ दिस नॉट इंट्री एंट्री सिकेट है, तो एंट्री ये कह सकते हैं एंट्री सिकेट। तो ये लाइनें जो दो दी गई हैं, ये लाइनें कौन सी जगह से हैं, जैसे कि यहाँ पूछा गया है इन विच बुक डू द लाइन एबव लाइन अकर, यानी इन विच बुक डू द एबव लाइन अकर, यानी किस वाले में एबव जो लाइन्स हैं वो अकर्स होती हैं, यानी कि ये पूछा गया है कि जो ये लाइनें दी गई हैं कि द कम दाओ मोर्टल रेज With thy sharp teeth, this not intrinsicate, ये लाइन कौन सी बुक में मेंशन है। तो जी फ्रेंड, आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं ताकि आप उसे इजीली और कंफर्टेबली आप उसे बना पाए, तो देखते हैं क्या कुछ आप उसे कन्वर्ट कर पाते हैं। तो देखिए, ये पहला ऑप्शन है आपका है क्लियोपेट्रा, दूसरा ऑप्शन है आपका ट्वेल्थ नाइट, और तीसरा ऑप्शन है हेमलेट, और चौथा है मिड समर नाइट्स ड्रीम। तो चलिए देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होता है, ठीक है। तो फाइव सेकंड आपके पास है फॉर सेलेक्टिंग योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि 5 सेकंड तो हो गया होगा क्योंकि बहुत ही कम होता है, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ था। तो डियर दोस्तों, यहाँ पे अगर देखा जाए जस्ट वी टॉक अबाउट दीज लाइंस विच हैव बीन टेकन फ्रॉम, यार ये कह सकते हैं कहां से लिया गया है, तो ये वाली लाइनें दी गई है। देखिए आपका सीधे सीधे हम इधर उधर ना जाके ऑप्शन नंबर सेलेक्ट करते हैं ए, यानी कि ये लाइनें दी गई है आपकी क्लियोपेट्रा से। किससे दी गई है? क्लियोपेट्रा से, यानी कम दाव मोर्टल रिच की बात करें तो ये वाली लाइन आपको मिलेगी क्लियोपेट्रा में। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाता है ए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट ले लेते हैं और भी कुछ आगे बढ़ लेते हैं। तो आगे में क्या आता है, हमारे क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट 132 की बात करेंगे। तो 132 में हमारे पास ये इस प्रकार से है कि इन विच, ये आई है इन विच शेक्सपियर प्ले डज द फॉलोइंग लाइन अकर्स, ये पूछा गया है कि कौन से शेक्सपियर के प्ले में जो दी गई लाइन है वो अकर होती है। तो यहाँ पे जो लाइन दी गई है द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर फॉर द डल, यानी ये कहते हैं कि द ब्राइट डे इज द डन, यानी जो ब्राइट डे इज द डन है एंड वी आर फॉर द डार्क, ये जो दो लाइन्स है ये लाइन कौन से प्ले से रिलेट करता है शेक्सपियर की, यही आपको बताना है। तो डियर दोस्तों, ज्यादा इधर उधर नहीं करते हैं, हम लोग सीधे पॉइंट पे पहुंचने और समझने की बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा ये पहला ऑप्शन है, बी ऑप्शन की बात करें तो हमारा क्या आ जाएगा हेमलेट, और सी ऑप्शन की बात करें तो किंग लियर है, और डी की बात करें तो मेजर पर मेजर है। तो चलिए बताने की बात तो हो जाती है कि क्या होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 है, 5 सेकंड आपको मिल जाते हैं फॉर सेलेक्टिंग योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे आप लोग, जैसे इसमें आता है 5 सेकंड आपका पूरा होता है, तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार आप सेलेक्ट कर पाते हैं। तो ये मैं बताऊं, ये जो ब्राइट डे इज डन की बात की गई है
एंड वी आर फॉर द डार्क की बात की गई है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होता है कौन सा, ऑप्शन नंबर सही होता है ए। यानी हम कह सकते हैं एंटनी एंड क्लियोपेट्रा ने ये लाइन दी गई है, द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर फॉर द डार्क। अगर इस लाइन की बात की जाएगी तो ये लाइनें आपको मिल जाएंगी, किसमें एंटनी एंड क्लियोपेट्रा भी मिल जाएंगी। तो चलिए इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से होता है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। अब लेते हैं हम नेक्स्ट नंबर 133 हमारे पास इस प्रकार है, हु डिस्क्राइब द आइडियल कॉमनवेल्थ इन द टेम्पेस्ट। ये पूछा गया है कि हु डिस्क्राइब द आइडियल कॉमनवेल्थ इन द टेम्पेस्ट, यानी टेम्पेस्ट में कौन वो जो था जो आइडियल कॉमनवेल्थ का वर्णन किया था। तो जी दोस्तों बताना है आपके सामने, यहाँ ऑप्शन है 4, जैसे कि हम पहला वाला है फर्डिनांड और दूसरा है ब्रास्पिरो और तीसरा है मिरांडा, तो चौथा है गोंजालो। तो बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में से वो ऑप्शन है जो डिस्क्राइब करा है कॉमनवेल्थ इन द टेम्पेस्ट, यानी जो टेम्पेस्ट प्ले था उसमें आइडियल कॉमनवेल्थ की बात की गई थी, तो वो किसने करा था यही आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कौन सा ऑप्शन आप सही कर पाते हैं। तो पहला ऑप्शन तो फर्डिनांड है ही है, सेकंड का बात करें तो ब्रास्पिरो है, और थर्ड की बात करें तो मिरांडा, और फोर्थ की बात करें तो गोंजालो है। तो आपके पास तो 5 सेकंड था ही, और आपका 5 सेकंड होता है समाप्त। तो चलिए हम ले लेते हैं अपना करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा ये गोंजालो। तो ये गोंजालो ही था जो टेम्पेस्ट में आइडियल कॉमनवेल्थ की बात किया था। कौन, मतलब कि गोंजालो ही था जो आइडियल कॉमनवेल्थ की बात करा था, किसमें इन टेम्पेस्ट करा हुआ था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर आता है वो है 134 में हम लोग देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास कौन सा आएगा, इन विच प्लेस शेक्सपियर हैज प्रेजेंटेड अ रॉयल क्रिमिनल। ये पूछा गया है कि शेक्सपियर कौन से प्ले में रॉयल क्रिमिनल की बात करते हैं, यानी शेक्सपियर किस प्ले में रॉयल क्रिमिनल की बात करते हैं, यही आपको बताना है डियर दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही बढ़िया ढंग से बताने का काम करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही आसान है और इम्पोर्टेंट तो है ही है, जैसा कि आप भी समझते हैं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पीजीटी पीएचडी स्पेशली फॉर यूपी, तो चलिए देखते हैं कि आपके पास तो 5 सेकंड है, तो 5 सेकंड में आप अपने करेक्ट ऑप्शन तक जाने के लिए रेडी हैं। चलिए तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने करेक्ट ऑप्शन तक जाएंगे, और बहुत सारे लोग कर भी चुके होंगे क्योंकि बहुत ही कम समय लगता है व्हेन वी हैव लर्न्ड एनीथिंग। अगर हमें कोई चीज याद है तो उसको करने में बहुत ही कम समय लगता है। तो चलिए देखते हैं क्या आप ऑप्शन तक पहुंच पाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि ये जो रॉयल क्रिमिनल की बात की गई है वो की गई थी रिचर्ड थर्ड में, तो ये ऑप्शन नंबर आपका होता है सी वाला करेक्ट। तो जब भी कभी बात आएगी रॉयल क्रिमिनल की तो वी हैव टू सेलेक्ट अवर ऑप्शन रिचर्ड थर्ड, हमें क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा रिचर्ड थर्ड जब भी रॉयल क्रिमिनल की बात की जाएगी। तो चलिए मैं ले लेता हूँ नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होता है 135 में अगर हम लेते हैं, ये कहता है भाई टेक ओ टेक दोज लीप अवे, ये कहता है टेक उटेक दोज लीप अवे द एबव लाइन अकर्स इन। अब ये पूछते हैं भाई साहब इसमें कि जो अपर की लाइन जो दी गई है कि टेक उटेक लिप्स अवे, कैसे बोल रहे हैं टेक उटेक दोज लिप्स अवे कि मतलब ले जाओ उट को, मतलब क्या दूर ले जाओ, तो ये वाली लाइनें कहाँ ली गई थी, शेक्सपियर की कौन से प्ले से ये ली गई है, यही आपको बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन तो इन्होंने दे रखा है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम दिया है, और बी वाला दिया हुआ है ट्वेल्थ नाइट दिया हुआ है, और सी है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा है, और डी की बात करें तो मेजर फॉर मेजर है। 4 ऑप्शन आपके पास है डियर दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने करेक्ट ऑप्शन तक जरूर पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये जो बहुत ही पॉपुलर चीज है। चलिए देखते हैं क्या कुछ आप इसे सही कर पाते हैं। ठीक है, तो
आपके होते हैं 5 सेकंड पूरे, तो हमें यहाँ चलना पड़ेगा अपने करेक्ट ऑप्शन तक। यदि आप लोग वैसे तो सेलेक्ट कर लिए होंगे मैक्सिमम लोग, मुझे उम्मीद है। तो चलिए देखते हैं क्या हमारे पास ऑप्शन हो सकता है सही। तो हमारे पास ऑप्शन सही होता है वो होता है ये ऑप्शन नंबर आएगा डी, यानी कि ये जो बातें की गई थी टेक और टेक दो लिप्स अरे की बातें की गई थी मेजर फॉर मेजर में, इट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस, ये हमारा होता है करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए क्लियर दोस्तों, और आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसमें 136 की बात करते हैं। जो 136 पे हमारे पास वो है इस प्रकार कि व्हाट कुड बी ट्रेजिक फ्लॉ इन हेमलेट। तो ये कहते हैं भाई कि व्हाट कुड बी ट्रेजिक फ्लॉ इन हेमलेट, कि ट्रेजिक फ्लॉ में कौन सा, सॉरी हेमलेट में कौन सा ट्रेजिक फ्लॉ हो सकता है, ये नहीं हो सकता था, ये नहीं, ये पूछना चाहते हैं कि ट्रेजिक जो हेमलेट में ट्रेजिक फ्लॉ जो दिखाया गया वो कौन सा हो सकता था। यहाँ पे कहते हैं नोबल हो सकता है, बी कहते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स हो सकता है, सी कहते हैं कि वाल्टिंग एम्बिशन हो सकता है, नन ऑफ दीज होता है। तो डियर दोस्तों बताया जाए कि अगर ये जो हेमलेट पे ट्रेजिक फ्लॉ क्या था, तो वो तो ट्रेजिक फ्लॉ था अवेंजिंग द फादर्स डेथ, यानी जो हेमलेट के रियल जो ट्रेजिक फ्लॉ की बात करी जाए तो वो है आपका अवेंजिंग फादर्स डेथ था। बट हो सकता क्या था वहां पे, अगर हो सकता के बारे में पूछा जाए तो दैट इज द योर ऑप्शन वाल्टिंग एम्बिशन होगा। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन नंबर सही होता है सी। हाँ बट इस बात का केयर जरूर करेंगे कि अगर ये पूछता कि हेमलेट का ट्रेजिक फ्लॉ है क्या, तो है तो उसका एवेंजिंग फादर्स डेथ है, लेकिन अगर ये कहता है कि व्हाट कुड बी यानी हो क्या सकता था, तो तब आपका ऑप्शन होना चाहिए वाल्टिंग एम्बिशन होना चाहिए। तो जस्ट डियर फ्रेंड वेट 1 मिनट फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाय फ्रेंड, जस्ट अभी जैसा कि हम लोग कर रहे थे प्रैक्टिस है डेट 10 का पढ़ रही है, तो उसको और भी आगे लेके चलते हैं। जैसे कि अभी अभी हमने 136 क्वेश्चन की बात की है, तो उसके आगे ले लेते हैं 137 नंबर का क्वेश्चन। 137 नंबर के क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो ये इस प्रकार हो जाएगा हमारे सामने, जो आपको दिख रहा है कि इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डज एडम अपीयर, यानी हम बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत ही पॉपुलर भी कह सकते हैं कि इन विच प्ले, कौन से प्ले में आप शेक्सपियर अर्थात शेक्सपियर के कौन से प्ले में डज एडम अपीयर, यानी ये बात पूछी जा रही है कि शेक्सपियर के कौन से प्ले में एडम अपीयर हुए थे। तो एडम एक कैरेक्टर का नाम है जो बताना है आपको कि शेक्सपियर के कौन से प्ले में एडम दिखा था या अपीयर हुआ यानी आया था। तो चलिए देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में है। जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है, मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर एज यू लाइक इट, 12th नाइट और द टेम्पेस्ट। तो ये रहे आपके 4 ऑप्शन आपके सामने, बस ये बता देना है कि कौन से ऑप्शन में एडम अपीयर हुए थे। तो चलिए आपको मिलते हैं पूरे 5 सेकंड, यानी इंग्लिश में कह सकते हैं 5 सेकंड, तो आप चूज कर लीजिए अपना करेक्ट आंसर। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप 5 सेकंड में बहुत ही बढ़िया उपयोग किए होंगे और ऑप्शन तो ट्रिक कर लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं बिना देर के वो बात कर लेते हैं। तो डियर दोस्तों मैं अगर बात करूं यहाँ पे एडम की, एडम साहब जो दिखने वाले थे वो दिखे थे शेक्सपियर के मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में दिखे हुए थे, मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में एडम अपीयर हुए थे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए वाला सही हो जाएगा। तो चलिए डियर दोस्तों हम लोग नेक्स्ट नंबर लेते हैं और भी थोड़ा सा आगे चल के बात करने की कोशिश करते हैं, क्यों ना करें नंबर नेक्स्ट। तो नंबर नेक्स्ट हमारे पास आता है 138, और 138 कहता है हमारे सामने इस प्रकार से कि कंप्लीट द सेंटेंस। ये क्या कहता है, हाँ कंप्लीट द सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस को पूरा कर देना है। तो वो सेंटेंस है क्या, जरा देख भी तो लो कि शेक्सपियर हैज रिटन हिस्टोरिकल प्लेस, यानी ये पूछ दिए हैं कि शेक्सपियर कितने हिस्टोरिकल प्ले लिखे थे। तो ये बताना है दोस्तों आपके सामने है ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन 4 है नंबर नहीं, ऑप्शन की संख्या कितनी 4 है,
ए है, बी है, सी है, डी है, जैसा आपको दिख भी रहा है। ए वाले पे 4 है, बी वाले पे 6 है, सी वाले पे 7 है और डी वाले पे 8 है। तो बस एक चुनौती बता देना है, दिस इज द मैटर ऑफ द काउंटिंग ऑफ द हिस्ट्री प्ले ऑफ शेक्सपियर। तो यदि आपने काउंटिंग बुक करा होगा तो आप आसानी से बता जाएंगे कि कितने शेक्सपियर ने मतलब हिस्टोरिकल प्ले लिखे हुए थे। तो काउंटिंग के आधार पे आप बढ़िया बता ले जाएंगे, उम्मीद है कि आप बताएंगे बनाएंगे। तो 5 सेकंड आपको दिए जाते हैं, बताइए। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपके 5 सेकंड तो ये भी निकल जाएंगे, लेकिन थोड़े से समय लगते हैं। तो उम्मीद है कि आपके 5 सेकंड हो गए होंगे पूरे। तो चलिए देखते हैं कि आपसे कौन सा होता है सही, ताकि आपको भी तो पता चले कि कितना कहां तक सही हो पाता है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप सही किए होंगे। तो इस प्रकार में बता दो, अगर हिस्टोरिकल प्ले की बात की जाए, शेक्सपियर के द्वारा जो रिटेन है तो वो है नंबर 6 है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट फिक्स है, क्योंकि उन्होंने लिखा है हिस्टोरिकल प्ले 6 और यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है बी वाला करेक्ट। तो चलिए बिना देर के उन्हें थोड़ा सा और वैल्यू आगे करते हैं। तो नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, नेक्स्ट नंबर हमारा जो है ना वो है 139। यदि मैं बात करूं 139 की, तो शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेस ऑल टुगेदर डील्ड विद पीरियड ऑफ, है ना, ये बात होती है क्या ऐसी, शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेस ऑल टुगेदर डील्ड विद अ पीरियड ऑफ, यानी जो शेक्सपियर का हिस्ट्री प्ले है वो ऑल टुगेदर डील्ड यानी विद अ पीरियड ऑफ, कौन से पीरियड की डीलिंग करता है, यानी कौन से पीरियड की बात करता है, यही आपको बताना है कि जो शेक्सपियर का हिस्टोरिकल प्ले है वो कौन से पीरियड की बात करता है। देयर आर मेंशनड 4 पीरियड्स, कौन कौन से पीरियड मेंशन है यहाँ पे, पहला है 1000 ईयर्स और सेकेंड है 7000 ईयर है, सॉरी 700 ईयर्स है, और सी की बात करें 450 ईयर्स की बात की गई है, और डी की बात करें तो 350 ईयर्स की बात की गई है। तो बताएं भैया विच पीरियड इज रिलेटेड टू द डीलिंग विद द हिस्ट्री प्ले। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं 5 सेकेंड, ताकि आप अपने ऑप्शन को कर पाए सेलेक्ट और सही ऑप्शन तक पहुंच पाए भैया दोस्तों। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं, 5 सेकंड आपको मिल जाते हैं और ये भी आपके 5 सेकंड निकल भी जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा तो हुआ नहीं करते हैं। तो चलिए मैं आप बताता हूँ, आपके राइट ऑप्शन की बात कर लेता हूँ। तो ये जो शेक्सपियर की हिस्ट्री प्ले थे ऑल टुगेदर डीलिंग विद ए पीरियड ऑफ, ये पीरियड ऑफ थे आपकी 350 ईयर्स, तो इस तरीके से होता है डियर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट। कौन सा ऑप्शन नंबर करेक्ट होता है, डी वाला। तो चलिए इसे याद रखिए बहुत बेहतर तरीके से। तो मैं बात करता हूँ नेक्स्ट नंबर, यानी 140 की अगर बात की जाए, तो इन विच शेक्सपियर प्ले डच कुरान, यानी बात ये हो रही है इन विच शेक्सपियर प्ले डच कुरान अपीयर, यानी कि ये पूछते हैं कि शेक्सपियर की कौन सी प्ले में कुरान नामक कैरेक्टर्स अपीयर हुआ था, ये बताना है आपको। तो यहाँ आपके सामने आते हैं 4 ऑप्शन, वो 4 ऑप्शन होते हैं इस प्रकार, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर और साथ ही साथ हैमलेट। तो ये बताना है कि ये वाला कुरान आपके किस वाले ऑप्शन में मिल जाता है, तो ये एनी कौन से प्ले में मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आपके सामने मिलते हैं 5 सेकेंड फॉर द सेलेक्शन योर करेक्ट ऑप्शन गिवन ऑप्शंस, ठीक है। तो चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने ऑप्शन तक पहुंच गए होंगे। 5 सेकंड बहुत होता है यदि आपको ऑप्शन आता है, यदि ऑप्शन आप सही से कर पाते हैं, समझ पाते हैं, तो पहले से अगर आता तो आप बहुत ही बढ़िया कर ले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आपका ये ऑप्शन करेक्ट क्या होता है, उसे मैं बता देता हूँ। तो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे किंग लियर, और इस तरीके से हम कहते हैं हमारा ऑप्शन नंबर सही होता है, कौन सा ऑप्शन नंबर सही होता है, सी। तो चलिए बिना देर के उनमें थोड़ा सा और आगे निकल लेते हैं। तो अगला नंबर हमारे पास क्या होगा उसकी बात हम लोग इस प्रकार करते हैं। तो 141 की बात कर लेते हैं, जो हमारे पास 141 है वो है शेक्सपियर एड्रेसेस द थीम ऑफ, देखिए जो ये बात करेंगे थीम ऑफ, देखिए यहाँ पूछा गया कि शेक्सपियर एड्रेसेस द थीम ऑफ डॉटर किया गया, तो यानी शेक्सपियर कौन से थीम को एड्रेस किए थे अपने सोनेट्स में, यानी बात ये पूछी जा रही है कि शेक्सपियर किन किन थीम पर सोनेट को लिखे थे अपने 154 सोनेट, जैसे शेक्सपियर का पता है बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ रिलेट हो जाते हैं कि कितने सोनेट है, तो 154 है, उसमें से कितने इन्होंने WH को एड्रेस किया है, तो 126 है,
और इसमें से कितना इन्होंने डार्क रेडी को किया है तो वो भी 26 है, लेकिन आपको बचेगा दो, तो दो उसके लॉन्ग प्ले में तो वो उन्होंने एड्रेस करा हुआ अलग तरीके से। तो चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है। जैसे कि ऑप्शन नंबर 4 में थीम की बात की गई है, तो देयर आर मेनी मोर थीम्स इन 4 ऑप्शंस, तो आपको सेलेक्ट करना है। मिलेंगे तो 5 सेकंड फॉर योर सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आपका। फर्स्ट कहते हैं कि हार्मनी वेल्थ लव एंड कंफ्लिक्ट, क्या उन्होंने अपने सॉनेट की थीम दिया हुआ है हार्मनी वेल्थ लव एंड कंफ्लिक्ट, या ऑनेस्टी वेल्थ टाइम एंड ब्यूटी है, या सी की बात करें पीस टाइम ब्यूटी एंड वेल्थ है, या डी की बात करते हैं लव ब्यूटी टाइम एंड लॉयल्टी। तो डियर दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन मैंने आपके लिए रीड करा हुआ है, चलिए देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होता है। मैं बता दूं आपको बिल्कुल आसान तरीके से याद रखेंगे, लव टाइम, देखिए लव ब्यूटी टाइम दिस इज द 3 फिक्स था, लेकिन साथ साथ उसमें रॉयल्टी की भी बात कर लेते हैं, तो 4 यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं। थीम्स ऑफ द शेक्सपियर है कि लव ब्यूटी टाइम एंड रॉयल्टी, इट इज मतलब दीज आर द थीम ऑफ द शेक्सपियर फॉर द सॉनेट। तो चलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी होता है डी। अब ले लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या आता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार आता है 141 करके आता है, तो वहां पे देखते हैं ये पूछा गया है कि वेयर वॉज हेमलेट स्टडी, मतलब कि हेमलेट कहाँ पढ़ रहा था, वेन जब ही वॉज समन्ड, जब वो बुलाया गया था टू डेनमार्क ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनाया गया है, बहुत ही डीप कह सकते हैं कि हेमलेट कहां पढ़ रहा था जब उसको बुलाया गया था डेनमार्क, उसके पिता के मृत्यु पर सूचना दी करके बुलाया गया, तो वो कहां था, कौन से जगह पे पढ़ाई कर रहा था, यही आपको बताना है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन की बात करें फ्रांस में था, सेकंड की बात करें वही एथेंस था, या सी वाला जर्मनी था, या डी वाला आपका इंग्लैंड था। तो ये 4 आपके प्लेसेस हैं जहां पे वो स्टडी की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे करेक्ट वन कौन सा है यही तो बताना है आपको। तो 5 सेकंड आपको मिल जाते हैं, देयर मतलब 5 सेकंड आपको मिलेंगे फॉर द सिलेक्शन ऑफ योर करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ होता है, मुझे उम्मीद है आप बढ़िया करेंगे और अच्छे से सिलेक्ट कर पाएंगे, तो मुझे उम्मीद के साथ साथ आपके 5 सेकंड भी क्लियर होते हैं। तो चलिए मैं ऑप्शन तक ले चलता हूँ आपको। ऑप्शन आपका नंबर से यहाँ पे होता है कौन सा, ऑप्शन नंबर से हो जाता है जर्मनी, यानी मैं बात करूं कि जब ये सूचना दी गई थी हेमलेट को कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है, तो उस टाइम वो स्टडी के लिए जर्मनी में था, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन यही क्वेश्चन का डिमांड है कि वो कहाँ था जब उसे पिता की मृत्यु की सूचना दी गई थी, यानी हेमलेट को मृत्यु की मतलब उसके मृत पिता की सूचना दी गई, यानी उसके पिता के मृत्यु की सूचना दी गई थी, तो वो कहाँ था, तो एट दैट टाइम ही वॉज इन जर्मनी, तो हमारा ऑप्शन भी सही हो जाता है जर्मनी। तो इस प्रकार का ऑप्शन नंबर होता है सी, करेक्ट सी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर लेते हैं, और आज के सेशन है डे 10 का, हम लोग कर देते हैं पूरा मेंटेन। तो मेंटेन करने में हमारा होगा लास्ट क्वेश्चन आज की सेशन का, यानी आज के जो हमारे सीरीज का डे है, डे 10 का लास्ट क्वेश्चन है क्या है 142, और ये दिस इज द कह सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ही ज्यादा डीपली पूछ लिया है, तो कि द बेसिक थीम ऑफ द टेम्पेस्ट, यानी कि टेम्पेस्ट जो हमारा प्ले है स्वान सॉन्ग ऑफ द शेक्सपियर भी कहा जाता है, तो ये मतलब ये इसकी बेसिक थीम क्या रही है, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास ऑप्शन नंबर है ए रिवेंज है, बी की बात करें तो रिवेंज एंड फ्रीडम है, और सी की बात करें तो फ्रीडम है, एंड डी की बात करें तो फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम है। तो डियर दोस्तों आप ये बताने का काम करेंगे कि बेसिक थीम ऑफ द टेम्पेस्ट व्हाट इज, क्या है, बताना तो पड़ेगा ही, आपको 5 सेकंड मिलते हैं फॉर योर करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो चलिए बता दीजिए, मुझे भी आप बढ़िया ही बताएंगे, कोशिश तो करते हैं, टीजीटी क्लियर तो करना ही है, पीजीटी के लिए आप टीजीटी में के लिए बिल्कुल अलर्ट रहिए, क्योंकि एक सेटअप भी बनाना है बाकी तो फिर जिंदगी अपने ऑन द वे हो जाएगी। चलिए तो देखिए ये हो सकता है कि ये भी क्वेश्चन आपकी हेल्प करे, और उम्मीद है करेगा ही करेगा, बेस्ट क्वेश्चन तो है ही है। तो चलिए मैं आपको करेक्ट ऑप्शन तक दे सकता हूँ, क्या आप सही किए हैं या गलत किए हैं, रॉन्ग किए हैं, लेकिन जो भी किए हैं आपको फाइनल सिलेक्शन के साथ चलना है
विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए मैं बात करूं द बेसिक थीम ऑफ द टेम्पेस्ट ये रही है फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम। तो ये आपके साथ इसी प्रकार हो जाता है सही, क्योंकि उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारी मिस्टेक हुई थी बट फॉरगिव की गई थी और फ्रीडम यानी स्वतंत्रता दी गई थी। तो दैट इज द रीजन द बेसिक थीम ऑफ द टेम्पेस्ट फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम। तो डियर दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं पे होती है, मतलब क्लियर करते हैं यहीं तक होगा आज की वीडियो में। तो बस आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और साथ ही साथ जो वीडियो देखने के बाद जो फील हो वो कमेंट में डील कर दीजिएगा, यानी जो महसूस हो पाता है गुड बैड एंड गिविंग द सजेशन एनी पॉइंट यू मस्ट राइट इन योर कमेंट, मतलब इन कमेंट बॉक्स, ठीक है, इन मतलब कमेंट बॉक्स में अगर आप लिखते हैं तो हमें थोड़ा सा उससे मोटिवेशन भी मिल जाता है और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें थोड़ा सा थिंक करने का पॉइंट मिलता है वेयर शुड इम्प्रूव एंड व्हाट शुड इम्प्रूव एंड हाउ शुड इम्प्रूव। तो इम्प्रूवमेंट इज द वेरी नेसेसरी पॉइंट फॉर द एनीवन। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू व्हाट यू फील व्हाट यू डिड, जो आप महसूस करें वही आप डील कर दें। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, तो थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आज के लिए इतना ही है, बाय बाय।